के सभी सगाजनों को सगा पाड़ियों को मेरे भाइयों और बहनों को सेवा सेवा सिवा, सिवा, सिवा जौहर फेसबुक लाइव ये टेक्नोलॉजी मैं पहली बार यू, आ, पहली बार यूज़ कर रहा हूँ सो सभी को पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि मेरे आ, जो कई तो भाई हैं उन्होंने एक टेक्नोलॉजी को Uh, एक सही तरीके से उपयोग किया गया है कोविड नाइन्टीन ये इस महामारी में इस महामारी भी हम हमारे uh, वार्षिक uh, स्नेह सम्मेलन को रोक नहीं पाई तो सभी आयोजकों को और इसमें जो एसओ के हर कार्यकर्ता हर uh, संचालक को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ एंड वेलकम इन न्यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजी फिर से मैं सभी uh, uh, पुरखा पेन शक्तियों को याद करते हुए सभी को सेवा ज्योहर करता हूँ जी uh, के लिए मैं अब uh, मैं यही बात करना चाहूँगा कि हमारा जो uh, मूल वाक्य है uh, जिसे हम कहते हैं तमवेरची आम रिकवेरची कीमत जिसका मतलब कि सत्य ज्ञानी बने और सत्य ज्ञान का प्रचार करें दो दिन पहले uh, हमें पूछा जा रहा था कि uh, बुद्धिज़्म में कहते हैं नमो बुद्धाय जीसस क्राइस्ट में कुछ बोलते हैं uh, हिंदुओं अलग अलग धर्मों में कुछ टैगलाइन होती है जिससे कि हमें प्रेरणा मिलती है तो हमें ऐसा कौन सा वाक्य है जिससे हमारे नवयुवकों को हमारे समाज को और हमारे देश को ऐसा कौन सा वाक्य है जिससे हम हमारी जीवन को सुधार सकते हैं तो ये जी का जी का जो वाक्य है जिसको जिसको हम कहते हैं यानी सत्य ज्ञान सत्य ज्ञान प्राप्त करें और सत्य ज्ञान के पीछे हमारा जीवन को कुर्बान करें व्यतीत करें क्योंकि ज्ञान तो सभी लेते हैं मगर उसमें आचरण अपने जीवन में उतारने को ही सच्चा जीवन कहते हैं और यही कोया पुनिम का सार है ये कोया पुनिम का सिर्फ एक वाक्य है तो आज के आज के सेमिनार में जो समय मुझे मिला है उसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो सत्य ज्ञान यानी ज्ञान में भी टाइप होता है ज्ञान के कुछ प्रकार होते हैं तो हमें आज के घड़ी में आज के मॉडर्न युग में ऐसा कौन सा ज्ञान लेना चाहिए ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिसे हमारा खुद का जिसे कोया में बोलते हैं वेन विरदा विडार यानी जिस जो जिसका मतलब है खुद का हमारे फैमिली का हमारे सोसाइटी का हम, हमारी प्रगति हो जाए वेन विरदा विडार ऐसा कौन सा ज्ञान है अभी कुछ दिन आप लोग तो जानते ही होंगे कि नेटफ्लिक्स में आप सभी को मैं जानना चाहूंगा द बिल्स ब्रेन ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें बिल्स गेट तो आप जानते हो कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट व्यक्ति है सबसे मालदार सबसे यशस्वी सबसे सक्सेसफुल इंसानों में से एक है उसके बारे में वो कैसा सोचता है ये जानने के लिए आपको वो डॉक्यूमेंट्री देखना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने ये कहा है कि हमें हमारे आसपास हमारे आसपास जो चीजें होती है उसको सूक्ष्म निरीक्षण करना होता है यही यही ये, ये कोया भी कहता है कि हमारे आसपास जो है हमारा पर्यावरण जो है या हमारे आजू बाजू की जो जो घटनाएं हो रही है जो प्रसंग है उसको देखना जरूरी होता है तो मैं ये चाहूंगा कि हमें कौन सा ज्ञान लेना चाहिए तो मुझे चाह मैं वो चीज़ लेके ले आना चाहूँगी चार चीजें चार सूत्र आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इस चीज को मैं भी फॉलो करना चाह रहा हूं कि एजुकेशन हमें एजुकेशन की तरफ देखना होगा एजुकेशन सिर्फ स्कूल में ही नहीं जो कागज में होता है दसवीं बारहवीं बी एम एमबीबीएस, एम बी बी एस ये तो सिर्फ डिग्रीज होती है मगर ऐसा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि आप अपने पैर पे खड़े हो सके एजुकेशन के प्रति हम कोई भी प्रकार के एजुकेशन हो बी एम ए किसी भी लेवल का एजुकेशन जो आपके यहाँ पे अवेलेबल हो आज तो ऑनलाइन है आपको कोई नहीं रोक सकता आप अपने जगह में रह के भी ऑनलाइन डिग्री प्राप्त कर सकते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में प्राप्त कर सकते हैं और उस प्राप्त एजुकेशन का आप जिस शहर में जिस गांव में जिस कुंडे में, में रहते हो उसका उपयोग कर सकते हो सो देर इज नो लिमिट टू एक्सेस योर नॉलेज आपको नॉलेज के लिए पीडीएफ फाइल्स प्राप्त हो सकती है कहीं से भी प्राप्त हो सकती है सो so, मेरे दोस्तों खुद को मत रोकिए जो भी नॉलेज आपको प्राप्त कर सके हैं सकते हैं आप जिस जगह हो दुनिया में वहां पर प्राप्त कर सकते हो दूसरी चीज मैं चाहूंगा कि इसको मैंने नाम दिया है एजुकेशन इकोनॉमी एनवायरमेंट एंड पॉलिटिकल पावर ये चार चीजों ये चार चीजों का ज्ञान होना आपको आज के समय में बहुत जरूरी है ये चारों चीजों में से अगर एक का भी ज्ञान हमारे समाज को हमें यदि ना हो तो हमारी प्रगति हम नहीं कर सकते तो इसका मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एजुकेशन के बारे में भी बात की है मैंने तो संक्षिप्त में रुकिएगा समझिएगा कि एजुकेशन को हम कोई भी एजुकेशन को हम निम्न स्तर का ये लोअर ग्रेड का हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कोई भी एजुकेशन हो और कोई भी एजुकेशन को आज के समय में हायर ग्रेड में कि पहला एजुकेशन था कि किसी भी प्रकार का एजुकेशन हो उस उसको हम लोग पूरी तरीके से प्राप्त करने के पीछे लगना पड़ेगा लगना होगा कोई भी एजुकेशन हो आप जहाँ पे भी हो वहाँ से प्राप्त कर सकते हो सेकेंड चाहिए इकोनॉमी आज के ज़माने में आज बे बेरोजगारी बढ़ रही है तो हमें ऐसा एजुकेशन लेना पड़ेगा कि जिससे हम हमारे पैरों पे खड़े हो सके हम जिसे हम बोलते हैं कि सेल्फ सेल्फ सफिशियंट स्वयंपूर्ण स्वयंभू बन सके हमारे खेत खेती हो हमारे पर्यावरण में जो जो भी चीज़ें अवेलेबल है पानी हवा आज बिल गेट्स की मैंने बात की थी बिल गेट्स जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे मनुष्य शरीर का जिसके मलमूत्र कहते हैं उससे एनर्जी क्रिएट करने का एक बहुत बड़ा करोड़ रुपए का प्लान लगा रहे हैं एंड ही इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग मनी ऑन द न्यूक्लियर प्लांट सो ये एनर्जी सोर्स है तो आप भी सोचना सगा हो कि आपके इर्द गिर्द जो भी एनर्जी सोर्स है वो क्या वो आपको बिजनेस क्रिएट करके दे सकते हैं तो ये और मुझे पता है कि गोंडवाना में आपको भी पता है कि गोंडवाना में प्रचुर मात्रा में एनर्जी हमें प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है जिसकी जिसकी वैल्यू हम आक नहीं सकते उसकी वैल्यू करोड़ों में हो सकती है खनिज संपत्ति हो सकती है हमारे एलिमेंट्स हो सकते हैं पानी हो सकते हैं, पानी से बिजली बनाया जा सकता है हवा से बिजली बनाई जा सकती है ऑर्गेनिक खेती बनाई जा सकती है प्लांट्स, मेडिसिन एवरीथिंग और मेरे वाक्य याद रखना कि आज का आज के डेट के बाद जो भी जो भी न्यूक्लियर जो भी डैम जो भी जो भी कंपनी बनेगी विश्व में वो सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल लैंड पे बनती है तो याद रखिए आपका आपकी आपका लैंड ये करोड़ों कीमत का है उस लैंड का आप परिपूर्ण तरीके से उपयोग करिए थर्ड चीज मैं बोलना चाहूँगा एनवायरमेंट अगेन एनवायरमेंट एनवायरमेंट को महसूस कीजिए एनवायरमेंट का हमारा नाता बहुत पुराना है इसको जानिए हमारे टोटेम व्यवस्था को जानिए हमारे टोटेम का जो प्लांट्स है उस प्लांट को उस प्लांट को हम लगाएंगे ये मेरा आज का आप सब सबसे आ, आ, मैं आह्वान करना चाहूंगा कि हमारा जो टोटेम के आ, पशु पक्षी और वनस्पति है क्या हम इस आने वाले साल में उनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं जैसे भी मेरा मेरा वृक्ष है काटे सावरी यानी हमारे मराठी में बोलते हैं मैं चाहूंगा कि इस साल में सबसे ज़्यादा पेड़ मैं जंगलों में जाके लगाऊंगा और मैं आपको आह्वान करता हूँ आपका जो भी टोटेम का प्लांट है हम उस जगह पे जाके लगाएंगे मिलके लगाएंगे बायोडाइवर्सिटी के साथ लगाएंगे हमारे एन्वायरमेंट को हम जंगल को बचाएंगे नहीं जंगल को बढ़ाएंगे बचाने की बात नहीं करेंगे हम बढ़ाने की बात करेंगे आपकी आ, आपका आपका सहायता मुझे चाहिए और चौथी चीज मैं चाहूंगा पॉलिटिकल पावर पॉलिटिकल पावर हमारी हर चीज को इन्फ्लुएंस करती है तो हमें पॉलिटिकल पावर में एक तो आना होगा या पॉलिटिकल पावर का ज्ञान हमें आना होगा और पॉलिटिकल पावर का हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको निभाना पड़ेगा तो याद रखिए दोस्तों एजुकेशन इकोनॉमी एनवायरमेंट एंड पॉलिटिकल पावर ये चार चीज मैं फिर से ये चार चीज के ऊपर में आपके सामने आना चाहूंगा कभी भी इसको मैं डिटेल में आपके सामने रखना चाहूंगा तो याद रखिए थैंक यू आपने काफी समय दिया है और बहुत 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 मुबारकबाद कॉन्ग्रेचुलेशन ये आज का जो सेमिनार है ये विश्व का ऐसा पहला सेमिनार है जहाँ पे ट्राइबल्स इंडिजिनस ये गुंडवाना के जो ट्राइब है उन्होंने आयोजन किया है विश्व का पहला ऐसा सेमिनार है जो लाइव हो रहा है